सबसे पहले तो मेरा नमस्कार टू ईस्टर्न टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम लोग कम्प्लीशन ऑफ 1 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लव एंड ग्रेट अफेक्शन शोन बाय द पब्लिक रीमा पोटोक सर्कल के। मैं उन सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज़ विदाउट देयर सपोर्ट एंड देयर हेल्प आज जिला परिषद मेंबर मैं नहीं बन पाता। तो ये जो आज के दिन जो है, आई डेडिकेट दिस पार्टी टू ऑल द पीपल हु हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, एंड ऑल्सो टू माई सीनियर पब्लिक लीडर्स जो लोगों ने योगदान दिया है टू एकम्प्लिश टू हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन PRI इलेक्शन 2020। तो उसके साथ हमारे जितने भी महिलाओं हैं और जितने भी यूथ्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो 1 ईयर का जर्नी जो हमारा रहा है, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज कमिंग इन टू अ पॉलिटिकल फील्ड विदाउट एन एक्सपीरियंस, आई हैड टू गो थ्रू अ ट्रिमेंडस प्रेशर। एट द सेम टाइम काफ़ी तकलीफें मुझे फेस करना पड़ा। देयर वॉज अ हर्डल्स, एंड एट द पीक ऑफ कोरोना वायरस जब चल रहा था बीच में, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी पॉलिटिकल्स लीडर्स, खास करके जो ग्रास रूट में जो काम करते हैं PRI मेंबर्स हो करके, हमें बहुत तकलीफ फेस करना पड़ा। बट फ्रॉम माई साइड एज अ पीपल चॉइस इलेक्टेड एज अ जिला परिषद मेंबर, मैंने कभी भी पीछे कदम नहीं हटाया, बल्कि मैं आगे जितना हो सके आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट एंड टू बी विद द पीपल इन एवरी सेगमेंट। जैसे डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ है, माई एरियाज़ बीइंग इन वन ऑफ द रिमोट एरिया जहाँ पे रास्ता नहीं है, जहाँ पे कई गांव पे बिजली नहीं है, तो इट्स अ चैलेंज एंड आई फील प्राउड एंड आई फील ऑनर्ड टू सर्व माई पीपल हु हैज़ इलेक्टेड मी। और बीच में ऐसे भी मौका आया कि समय आया जिसमें आई फेल्ट इट इज़ इम्पॉसिबल, बट देन बाय द लव एंड द सपोर्ट दैट विच ऑलवेज थ्रू द वेल विशर, मेरे मेरे ऊपर में जो वेल विशर लोगों ने साथ दिया, उसके बदौलत मैं आगे बढ़ता चला आया हूँ, जिसके तहत आज 1 ईयर जो है सक्सेसफुल हुआ है। एंड आपने जो पूछा है, येस नो डाउट, मैं इनिशियल आई वॉज सपोज टू बी कंटेस्टेड बाय द BJP's पार्टी टिकट, लेकिन आई कुडन्ट गेट टिकट। देर इज़ नो बडी टू बी ब्लेम, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है मेम्बर्स ऑलरेडी थे जो देवर ऑलरेडी ट्राइंग फॉर द टिकट। और मैं बीच में, यस, मैं ऐसे भी सोचा कि आई बेटर क्विट, आई बेटर गिव अप, बट देन मेरे जो सपोर्टर्स है, मेरे जो वेल विशर्स है, मेरे जो पब्लिक सीनियर पब्लिक लीडर्स जो मुझे सपोर्ट दिया, और साथ में जितने मेरे पब्लिक्स है यहाँ के, उन लोगों ने दे नेवर लेफ्ट मी, इंस्टेड दे हैव पुश मी फॉरवर्ड, एंड आई समवेयर एट द पॉइंट ऑफ लाइफ आई थॉट आई हैड अ वेरी गुड फेथ, यू कैन से ग्रेट फेथ ऑन द पीपल ऑफ रीमा पोटोक सर्कल।
तो इसीलिए मैं उन लोगों का जो इच्छा है, जो उन लोगों का जो मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, उस पे रिलाई करके मैं आगे बढ़ता गया। एंड वी वेर ग्रेटली ब्लेस्ड बिकॉज माई इंटायर जो 1411 रिमापुतो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिला परिषद मेंबर जो ब्लॉक है, उन लोगों ने आखिरी में अच्छा रिजल्ट में जैसे सोचा एक्सपेक्ट किया, उन लोगों ने साथ में प्यार भरे दिल से उन लोगों ने हमें जिताया। ये जो 1 ईयर का जो जर्नी रहा है, एज आई वॉज सेलेक्टेड, साथ ही साथ में आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल। जैसे कि हमारा यहाँ पे, मैंने आगे भी कह चुका है, हमारा ज़िला में देर आर सो मैनी विलेजेस आज तक मोटरेबल नहीं है। आप कह सकते हैं मोटरेबल नहीं था। सो देर आर 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग अंडर PMGSY, अंडर RWD डिपार्टमेंट। तो मैं तुरंत, रोड इज़ अ लाइफ लाइन फॉर एवरीथिंग, तो आई गिव प्रायोरिटी टू दैट। तो मैं अपना जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो डिपार्टमेंट है, उन लोगों के साथ में जा कर के मैं इंस्पेक्शन किया। जैसे कि हमारा यहाँ मोटोंगसा रोड जो है, उसको इंस्पेक्शन किया। साथ ही साथ में लुंगपांग चांगलाई रोड, उसको इंस्पेक्ट किया। तो तब तक तो इंस्पेक्शन किया हम सारे डिपार्टमेंट के जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के साथ मिल करके, और वी हैव इंटरेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, साथ में कोलैबोरेट करके उस काम को आगे जितना हो सके जल्दी प्रोग्रेस कराने के लिए। एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। आज के दिन में मोटोंगसा रोड जो है वो ऑलरेडी थ्रू हो चुका है, एंड देन चांगलाई का जो रोड है वो भी थ्रू हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग जो टेंगपुम जो रास्ता है वो भी बहुत ही जल्द थ्रू हो जाएगा। इसमें हमारा ऑनरेबल सर का भी काफ़ी योगदान रहा है। इनिशियली उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके आया, साथ में हम दोनों मिल करके इस काम को किस तरह से आगे प्रोग्रेस किया जाए, दोनों साथ में जा करके इंस्पेक्ट भी किया। तो ऐसे करके फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव पुट आर बेस्ट एफर्ट, एंड आई एम श्योर कि यहाँ का जो वासिया है, दे आर नॉट डिसअपॉइंटेड विद मी इलेक्टेड एज ए जिला परिषद मेंबर। तो ये जो हो गया रास्ता का, रह गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी हमारे कुछ गांव में आज तक नहीं पहुंचाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर इशू। बट रिसेंटली आई हैव सीन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। जो लाइन कटअप हो गया था उसी को फिर उन लोग रिनोवेट करके उसको, और जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ तक बिजली पहुँचाने का सुविधाएँ अभी चल रहा है। एंड देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जैसे ऑगमेंटेशन वाटर सप्लाई लुंगपांग गांव में जो 2019 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसमें आउटलेट जो पाइप घर घर में जो कनेक्शन है जो नहीं दिया गया था, और उसमें भी नया पाइपलाइन जो है लगवा लिया माचुम का, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक पोल रिप्लेसमेंट के लिए, ऐसा बहुत सारा जो छोटा मोटा जो हमारा अंदर कैपेसिटी में है एज एन इलेक्टेड मेंबर, जो हम मुद्दा उठा सकते हैं, डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकते हैं, जो पब्लिक का जो सुविधाएं के लिए जो ज़रूरत है, आई हैव गिवन माय बेस्ट एफर्ट टू इन ऑर्डर टू डेवलप इट, इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इट, या तो उसको रिप्लेस करने के लिए। मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश एडवांस में करना चाहूँगा। ये जो आने वाला जो साल है, सुख शांति हो। जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना पेंडेमिक में ये जो लास्ट 2 ईयर्स सभी लोग का लाइफ जो है वो काफ़ी अफेक्ट किया है, फाइनेंशियली मेंटली फिजिकली, तो ये जो 2022 जो है, आई प्रे एंड विश कि सुख शांति,
there should be a progress in the developmental ground, there should be a progress in the education, और जितने हमारे youths लोग हैं उन लोगों को आगे बरकरार अपने पढ़ाई में और साथ ही साथ में जो अपना बेसिक नेसेसिटीज़ जो लाइफ में जो छोटा मोटे जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी अच्छा प्रोग्रेशन जो है मिले. और अलोंग विद इट माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एट द सेम टाइम बेस्ट विशेस टू इंटायर 51ST नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को जाता है. आप लोग सभी अपने अपने गांव में अपने अपने जगह में अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर आप मनाएंगे. थैंक यू.